असलम व्यूअर्स वेलकम इन बिनिश का टिफिन आज बिनिश के टिफ़िन में क्या बने जा रहे हैं आज मैं आपके साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट और होटल में जाकर खाते हैं और एक बड़ा बिल देकर आते हैं आप घर पे कैसे बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी यहाँ पर मैंने चिकन की फिले लिए हैं उसको इस तरह से पहले मैंने हॉरीजोंटली कट कर लिया है और फिर हम इसको वर्टिकली कट करेंगे इस तरह से तो दो तरह से हमें कट लगाने हैं इसमें क्योंकि इस तरह से कट लगाएंगे अमूमन आप रेस्टोरेंट में देखते हैं क्योंकि अंदर तक से अच्छे से मसाला उनका चला जाता है ये देखें इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं इसमें तो तो इस तरह से मैं ये सारे फिलेस पर कट लगा लूंगी जिस तरह से आपको फर्स्ट फ्ले में बताया अब हम चिकन में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे यहाँ पर मैंने वन टीस्पून स्पून सॉल्ट किया है सॉल्ट कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं यहाँ पर मैंने वन टीस्पून ड्राइड सोया लिया है आप उसकी जगह थाइम भी ऐड कर सकते हैं जो भी हर्ब है और हाफ टी स्पून मैंने औरिगेनो लिए हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिए और हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर लिए तो और टू टेबल स्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे और अब हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और चिकन को हम तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तो हमारे दो से तीन घंटे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है अब हम एक पैन लेंगे उसमें टू टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और वन टेबल स्पून हम चॉप्ड लहसन ऐड करेंगे और लहसुन को हल्का सा हम सौते करेंगे इसको कलर नहीं देना है अब चिकन के जो फ्ले हैं हम वो लहसुन के ऊपर रख देंगे अब ये जो जितना भी मसाला बच गया है वो चिकन के ऊपर सारा अच्छे से पोर कर देंगे जितने भी कट्स हैं उसके अंदर हम डाल देंगे ताकि ये चिकन में पकते टाइम सारे स्पाइसेस इसमें चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए तो अब सारा ये हमने पोर कर दिया है सारा मसाला इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसको तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए रख देंगे अब पाँच से छः मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो ये देखें कितना अच्छा सा जबरदस्त सा कलर आ गया एक साइड पे अब हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे और चिकन को दोबारा से हम चार से पाँच मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और जितना भी जो साइड में मसाला आ गया है वो सारा हम चिकन पे डाल देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अब हम दोबारा से चिकन को कवर करके रख देते हैं चिकन दूसरे साइड से भी अच्छे से पक गई है देखिए कितना खूबसूरत

तो इस तरह से बनाएंगे तो आप खुश आपकी फैमिली खुश और खास तौर पे आपके हस्बैंड बहुत खुश होंगे क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना घर पे खाने को मिलेगा और उनकी एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी क्योंकि एक भारी बिल देकर आपके हस्बैंड ही आते हैं तो चलिए अगर आपको मेरी ये चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दें इनशाला फिर मिलते हैं एक और न्यू जबरदस्त यमी रेसिपी के साथ में याद रखिएगा जब तक के लिए